और बात करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां पर लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाय के साथ शुरू हो चुकी है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सूबे के उधम सिंह नगर जनपद में घाटों की साफ सफाई भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में श्रद्धालु पूजा की सामग्री खरीदती हुई नजर आ रही है। बाजार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं, जिससे व्यापारी वर्ग के चेहरे खिल उठे हैं। छठ महापर्व में व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर अपना व्रत पूरा करना पड़ता है। पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों के साथ स्थानीय लोगों में भी छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पूर्वांचल से शुरू हुई छठ पूजा भारत के लगभग हर राज्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। पर खास यह है कि इस बार जो है छठ महापर्व में जो है सर्व सिद्धि योग बन रहा है, और सर्व सिद्धि योग जो है सबसे बड़ा योग होता है। इसलिए जो है जो भी कार्य किया जाता है इस योग में वह सफल होता है। इसका जो है ज्यादा महत्व इस बार छठ पूजा में है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फर्क यह व्रत जो है कहा गया है कि संतान प्राप्ति के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण का त्यौहार आ चुका है, जो महापर्व के रूप में हम मनाते हैं। और यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, साफ सफाई है, अभी मशीन लगा करके जो भी यहाँ पर गंदगी थी या जो घास वगैरह थी उसकी सफाई कर दी गई है। कल लेबर लगा करके भी इसकी सफाई जो बची है वो भी कर दी जाएगी। और हमारा ये प्रयास है, कमेटी का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज़्यादा यहाँ सुविधा भक्तों को दी जाए।